दिस इज मी. एक महीना पहले आई वॉज लॉस्ट, कन्फ्यूज, अनप्रोडक्टिव, बेसिकली टोटल मेस. माई लाइफ स्टाइल वॉज मेस्ड अप. आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग. आई वॉज टोटली डीमोटिवेटेड एंड अनप्रोडक्टिव. आई कुडंट हैव द एनर्जी टू इवन गेट अप फ्रॉम द बेड एंड अचीव द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू. बट वन डे आई डिसाइडेड टू चेंज. Hi guys, my name is Palak and welcome back to my YouTube channel. ये वीडियो थोड़ी सी कैंडिड होने वाली है गाइस, क्योंकि आई एम गोना शेयर व्हाट आई वेंट थ्रू लास्ट मंथ, जब मैं एक्चुअली अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी. आई वॉज नॉट गोइंग टू द जिम, आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द वर्कआउट्स, आई वॉज नॉट इवन डूइंग माई वर्क. आई वॉज टोटली डीमोटिवेटेड. मैं स्टाफ कर रही थी एंड आई एक्चुअली गॉट डायग्नोस्ड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी. मैं किसी भी चीज़ में मोटिवेटेड फीलिंग नहीं कर रही थी एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक गिव अप. दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग हाउ आई मेड दैट चेंज, कैसे मैंने अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक किया और गुड हैबिट्स को इनकलकेट किया. सो नंबर वन चेंज दैट यू कैन डू एंड दैट आई डिड वॉज लाइफ स्टाइल. येस, नाउ लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आर स्लीप साइकिल, आर डाइट, आर स्ट्रेस मार्कर्स, इसे हम कैसे चेंज करें. My funda was clear. I was sleeping very late. मैं 3 से 4 बजे सो रही थी रात को, जिसकी वजह से I was waking up super late and मुझे पूरा दिन थकावट महसूस होती थी. I was doing a little bit of my work, लेकिन फिर भी I was not feeling myself. मैं simply रात को time पे सोने के लिए एक चीज़ करती थी जो मुझे बहुत help करती थी, और वो है सारे devices को, यानी कि phone, laptop, even TV, सबको अपने से दूर रखती थी. दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि मुझे भी सबकी तरह वो स्क्रॉलिंग की आदत लग चुकी थी और मैं उसी लूप में हर रोज़ अपना रात को टाइम वेस्ट करती थी एंड लेट सोती थी. सो सिंपली मैंने अपने फ़ोन को जेन मोड पे डालना शुरू किया और नेटफ्लिक्स को बंद किया. थोड़ा सा टाइम लगा इस चीज़ को कंट्रोल करने पे, बट व्हेन आई फाइनली डिड दैट, मुझे एक्चुअली टाइम पे नींद आनी स्टार्ट हो गई. तो अगर आप लेट सोते हैं, आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गोल सेट नहीं करने कि आप एकदम से 3 बजे से लेकर आप 10 बजे सोने लग जाएं. आप सिंपली एम कर सकते हो कि आप 1 बजे सो, जो कि मैंने भी किया. मैं 3 बजे सोती थी बट मैंने ट्राई किया कि मैं धीरे धीरे कैसे थोड़ा सा और जल्दी सोने लगूँ. इससे मेरी स्लीप साइकिल तो इम्प्रूव हुई भी बट मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो गई. सेकेंड पॉज फूड. येस, एज आई टोल्ड यू गाइज, आई वॉज डायग्नोज विद विटामिन डी. आई मीन, कैन यू बिलीव इट, आई एक्चुअली गिव एडवाइजेस टू एवरी मन, बट ऐसा हो जाता है कभी कभार वेन यू गेट इन दैट लूप, जब लाइफ जस्ट टेक्स ओवर यू एंड यू लॉस कंट्रोल. तो मैं एक्चुअली स्टार्व कर रही थी, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं जा रहे थे. अब वो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे थे जिसकी वजह से आई गॉट दिस डेफिशिएंसी. तो द फर्स्ट स्टेप आई डिड वाज आई स्टार्टेड ईटिंग होम कुक फूड. यस, सो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि अपने घर से जितना भी जंक फूड है आप हटा दो, बिकॉज आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ सिस्टम इज़ वॉट आई बिलीव इन. सेकेंडली, अपने फ़ोन से जोमैटो, स्विगी या कोई भी ऐप्स हैं उसे डिलीट कर दो, सो दैट यू डोंट हैव द अर्ज टू ईट फ्रॉम आउटसाइड. एंड थर्ड, प्री प्लान योर मील्स. येस, ऑल यू हैव टू डू इज, एक रात पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कल क्या खाने वाले हैं और उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी है, सो दैट द नेक्स्ट डे यू आर नॉट कन्फ्यूज कि आज घर पर कुछ सामान नहीं है या क्या खाना है एंड यू एंड अप ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड. And lastly guys, lifestyle also includes movement. To get some daily movement. Now as a fitness coach, of course my routine was to go to the gym 4 to 5 times a week and I also dance 2 to 3 times a week. Lekin last month main wo bhi nahi kar pa rahi thi. I didn't even go to the gym. I didn't even go to my dance classes. That was a big deal for me. But how I started back, I simply started with light stretching and walks. तो अगर आपने बहुत टाइम से मूवमेंट नहीं करी है, स्टार्ट विथ सम डेली वॉक. यू कैन ऑल्सो फॉलो अलॉन्ग सम वीडियोज ऑन यूट्यूब. आई हैव टन्स ऑफ वीडियोज जो आप फॉलो कर सकते हो घर पे, और साथ ही साथ
आपको एक वर्कआउट भी मिल जाएगा एंड इट विल बी फन एज वेल. नंबर टू टिप इज माइंडसेट. यस, नाउ माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, बिकॉज अगर आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव है, यानी कि सेल्फ टॉक मीन्स आप अपने से कैसे बात करते हो, अपने दिमाग को क्या बोलते हो, अगर वो नेगेटिव है देन डूइंग ऑल दीज थिंग्स विल बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. सो मैंने सिंपली तीन स्टेप्स फॉलो किए. नंबर वन वॉज जर्नलिंग. यस, नाउ जर्नलिंग वुड एक्चुअली इंक्लूड कि आपको सिर्फ एक कॉपी में लिखना है कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, यानी कि आपका गोल सेटिंग, या फिर सिंपली अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करने के लिए एक जर्नल बनाना है. एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है या दिल में कुछ चल रहा है आपको एक्सप्रेस करने के लिए. इट वर्क a hell lot for me and I would recommend that you should start journaling as well and you can simply write your thoughts into it. Also recommend you start reading this book called as Atomic Habits, jisme actually bataya hai ki apni life ko puri tarah se kaise transform kar sakte ho by inculcating the right habits. The second thing guys is goal setting. मैंने journaling में भी बात करी goal setting की. Goal setting इसका ये मतलब है कि आप अपने लिए छोटे छोटे weekly goals बनाओ. It can be anything. It could be related to your fitness or it could be related to your life, to your career, to your relationships. It could be any goal. एंड जब आप उस गोल को सेट करोगे देन यू विल नो उसे अचीव करने के लिए आपको कुछ एक्शंस लेने हैं एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड टू वर्क एवरी डे एंड बी प्रोडक्टिव. नंबर थ्री गाइस, मेडिटेशन और थेरेपी. नाउ देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं या फिर कुछ ऐसी इशूज या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे हम फेस नहीं कर पाते खुद से. And it's very important कि हम उसके लिए expert की help ज़रूर लें. And I totally recommend therapy because I have taken it couple of times and it has helped me so much. So उससे क्या होता है, हमें ये नहीं सोचना कि शायद you know हमारे अंदर कोई problem है. हमें simply therapy पर इसलिए जाना है because we need just guidance, you know. और we need to just share our feelings with someone who can help us in the right way. Also meditation. I think meditation थोड़ी सी difficult हो सकती है for people like me at least to stay still. But I would just encourage you कि आप दिन में 10 minutes निकालो जिसमें आप सिर्फ ध्यान लगा रहे हो किसी भी चीज़ पर, नहीं बस आँखें बंद करके कुछ भी नहीं सोच रहे. So your mind is blank. And this may take time, but I would just recommend कि even if you just do 10 minutes of breathing exercises, it will help you calm your nervous system hell lot. And my last tip guys is community. Yes, ये बहुत ही underrated चीज़ है क्योंकि लोग सोचते हैं कि community का क्या मतलब होता है हमारे relationships. But आपने ये line सुनी होगी कि you are the average of 5 people that you surround yourself with. Yes, I mean, isn't that very powerful कि जिन लोगों को आप अपने साथ सराउंड कर रहे हो आप वैसे बन जाओगे. सो यू हैव टू चूज द राइट पीपल जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो. अगर आपको लोग बोलते हैं कि ये सब बेकार है जो तुम कर रहे हो या फिर तुम लाइफ में क्या कर रहे हो, अगर इस टाइप के बातें या स्टेटमेंट्स आप सुन रहे हो देन यू नो दीज आर नॉट द राइट पीपल फॉर यू. यू हैव टू फाइंड पीपल जो आपको इनक्रेज करें, मोटिवेट करें, सपोर्ट करें. और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स ऐसे नहीं हैं देन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कट देम ऑफ. यस, इट मे बी द हार्डेस्ट थिंग टू डू बट यू विल डू योरसेल्फ अ बिग फेवर. एंड हाउ वुड यू फाइंड द राइट पीपल? वेल, यू वुड फाइंड द राइट पीपल बाय गोइंग आउट एंड मीटिंग न्यू पीपल. नाउ देयर विल बी ऑलवेज बी अ रिस्क कि वो भी टॉक्सिक हो सकते हैं, बट देन यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर एंड आई एम श्योर इट कैन बी any community, you will find the right people. You may join like a fitness class, a dance class, a hiking group, a support group, a reading club. Kahin na kahin aapko like-minded people zarur mil jayenge, which will connect with you and motivate you. So guys, I can totally understand ki life mein sab point aa jata hai when you lose control over it. But it is very much possible कि आप अपनी life को वापस track पे लेके आ सकते हो. I hope ये video आपकी कुछ help करेगी. और अगर आपको video अच्छा लगा तो please
इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आई सी यू अगेन विद अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.